आदाब, मैं हूं आपका मेजबान जावेद और आप देख रहे हैं एएसजे न्यूज। साबिका कांग्रेसी लीडर अमर सिंह अपने हामियों के साथ जुलूस की शक्ल में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की मौजूदगी में बीजेपी ऑफिस पहुंचकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अमर सिंह ने कहा, तो नाजरीन देखते रहिए एएसजे न्यूज़ और कीजिए सब्सक्राइब। रिपोर्टर राहुल सिंह के साथ चीफ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। आज 5 तारीख के दिन नितिन गडकरी जी सेंट्रल मिनिस्टर के आधारम में मैं अमर सिंह कांग्रेस में ज्वाइन हो रहा हूँ, कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ और मैं बीजेपी का जो मोदी जी का नायकत्व में वो देश को बहुत आगे लेके जा रहा, उससे इम्प्रेस होकर मैं कारवान का डेवलपमेंट के वास्ते भी मैं बोल के यहाँ पे पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल के कारवान के डेवलपमेंट के वास्ते बोल के मैं बीजेपी में जा रहा और यहाँ पे स्टेट के प्रेसिडेंट जो लक्ष्मण जी है वो भी है ना, ये तेलंगाना स्टेट के वास्ते बहुत कुछ कर रहे हैं, उनका भी नायकत्व बहुत अच्छा है, उनको देखते हुए मैं बीजेपी में जाने वाली का। आपके साथ जो है बीजेपी के कितने कार्यकर्ता हैं? तकरीबन कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरे कार्यकर्ता बीजेपी के और दूसरे पार्टी के भी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। तो अभी आप जो है क्या सोचे साहब, अभी बीजेपी में आप ज्वाइन हो रहे हैं, आगे चल के आप क्या करने वाले हैं? डेवलपमेंट एक ही मुद्दा है, किस तरह का डेवलपमेंट? डेवलपमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी डेवलपमेंट है हम लोग है ना, पूरे हमारे कार्यकर्ता हम मिलकर देखेंगे, देख कर जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने के वास्ते हम लोग बैठे। लाइट का प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, पूरे पूरे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता के जैसा उनके साथ रह के वो जो भी डेवलपमेंट है, लाइट ही नहीं, लाइट बोलो, रोड बोलो, जो भी समस्या है ड्रेनेज का, जो विधवाओं का है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे स्कीम्स आए सो है, वो स्कीम्स क्या हो रहा बोले तो यहाँ पे लोग जो दूसरे पार्टी के एमएलए है उनके कार्यकर्ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को यहाँ पे गरीबों तक नहीं पहुँचा रहे, हाईलाइट नहीं कर रहे। मैं मोदी जी के नायकत्व में जो भी स्कीम आए सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं हमारे कार्यकर्ता, मैं एक कार्यकर्ता के सर का पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो उसको है ना हाईलाइट करूँगा बोल के, उनको पहुँचाऊँगा बोल के मैं बीजेपी में। यहाँ से रैली कहाँ तक जा रही है? ये रैली है ना गुडी मलकापुर तालागड्डा स्टेडियम से बीजेपी स्टेट ऑफिस तक रैली। आपके साथ कितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? बीजेपी के ऑलमोस्ट पूरा टोटल कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटके भी बाजू गोशा महल के और अपना आरआरडीसी नामपल्ली के, ये बहुत सारे एक लक्ष्मण जी का जो नायकत्व में उसका अभिमान देखते हुए मैं जो आ रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट करते हुए लक्ष्मण जी के नायकत्व में मुझे आ रहे बोल के बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के, टीआरएस के बहुत सारे कार्यकर्ता आज अपने बीजेपी में जाएंगे।